बेबीज वर्ड मेक्स लर्निंग इजी। आज हम पढ़ेंगे ऊंट और सियार की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक ऊंट और एक सियार नदी के किनारे रहते थे, और नदी के उस पार एक खेत और खेत वाला एक गांव था। सियार बहुत चालाक था, उसे अपने दोस्त ऊंट से मस्ती करने की सोची। ऊंट खुशी खुशी अपना खाना चबा रहा था। सियार ऊंट को किसान के खेत में खड़े गन्ने खाने के लिए लुभाने लगा। पहले तो ऊंट हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह सियार के साथ किसान के गन्ने के खेत पर जाकर गन्ने खाने के लिए तैयार हो गया। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों दोस्त नदी पार कर किसान के खेत में चले गए। दोनों दोस्तों ने गन्ने के खेत में भरपेट गन्ना खा लिया, और अचानक सियार चिल्लाने लगा। ऊंट ने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएगा। लेकिन सियार चिल्लाता रहा। किसान और उसके साथी दौड़ते हुए खेत में आ गए। नटखट सियार खेत में छुप गया, लेकिन बेचारा ऊंट लंबा होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। किसान ने उसे पीटा और भगा दिया। सियार नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्षमा करे भाई, लेकिन मुझे रात में खाने के बाद गाने की आदत है। मुझे आशा है कि आपने इससे ज्यादा बुरा नहीं माना होगा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। उसने सियार को पीठ पर बैठाया और नदी में प्रवेश किया। नदी के बीचों बीच पानी बहुत गहरा था। वहां ऊंट नदी में डुबकी लगाने लगा। सियार डर गया। तुम ये क्या कर रहे हो मूर्ख साथी? क्या तुम मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हो? ऊंट ने कहा, नहीं भाई, बस इतना है कि मुझे अच्छे भोजन के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। शरारती सियार को सबक मिल गया। उसने फिर कभी भी ऊंट को परेशान नहीं किया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।